छत्तीसगढ़ में आगामी होने वाले चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाने के साथ पूरे 90 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने को लेकर पार्टी की गतिविधियों पर पत्रकार वार्ता में सह प्रभारी छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी एवं विधायक पंजाब ने चर्चा की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराने साथ ही पूरे 90 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने को तैयार है आम आदमी पार्टी। वहीं दुर्ग दौरे में पहुंचे छत्तीसगढ़ सह प्रभारी आम आदमी पार्टी के एवं पंजाब के विधायक ने आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के संबंध में पत्रकार वार्ता ली और चर्चा की। साथ ही पंजाब के विधायक ने छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाते हुए अपना पक्ष भी रखा। इसके साथ ही बताया कि आगामी दिनों में बिलासपुर से मेहरवली तक आगाज किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश से ही नहीं केंद्र के नेता भी शामिल होंगे और पार्टी का शक्ति प्रदर्शन कर आम लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह बताया कि अब तक पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने 6 लाख से भी ज़्यादा अधिक लोगों को जोड़ने में सफलता पाई है। मैं पिछले एक हफ्ते से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहा हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में पार्टी के जो हमारी लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, कार्यकर्ता साथी हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं और इसके साथ 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 जनसंवाद भी अटेंड कर रहा हूँ। लोगों का बहुत ही अथाह प्रेम आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। एक बात बहुत क्लियरली निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ के लोग जो दिल्ली पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की विजन के मुताबिक काम हो रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार करते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार छत्तीसगढ़ के लोग जो इन दोनों पार्टियों को बार बार मौका देके तंग आ चुके हैं, इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देने वाले। देखिए, आम आदमी पार्टी लोगों के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो उनकी रोज़मर्रा की दुख तकलीफें हैं, उन पे बात करने वाली देश की पहली और अकेली पार्टी है। और हमने 10 साल में दिल्ली में और 1.5 साल में पंजाब में इतना अच्छा काम करके दिखाया है कि जो देश की दो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो हमारे मॉडल को कॉपी भी करना शुरू कर रहे हैं। कर्नाटक में आपने रिसेंटली एग्जांपल देखा है कि सारा का सारा चुनाव कांग्रेस आम आदमी पार्टी के मुद्दों पर लड़ी और वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन आम आदमी की पार्टी के पास एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, दिल्ली में हमने करके दिखाया है। दिल्ली के लोग खुद बोल के बताते हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कामों को देखने आते हैं। 3-4 साल पहले जो यूएन के रिटायर्ड गवर्नर जनरल हैं, एल्डर्स सोसाइटी जो दुनिया की सबसे बड़ी लीडरशिप की सोसाइटी मानी जाती है, वो आके दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देख के गए। डोनाल्ड ट्रंप जब यूएसए के प्रेसिडेंट होते थे, जब वो इंडिया आए तो उनकी पत्नी दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने गई। तो दिल्ली के जो काम है उनका डंका सिर्फ देश में नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया में बोल रहा है। उसी मॉडल को लेकर हम छत्तीसगढ़ में आएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि छत्तीसगढ़ के लोग इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देंगे। देखिए, जो दिल्ली में जो आप मंत्री की बात कर रहे हैं, उसमें पॉइंट ये है कि अभी तक देश की सरकार जो है, जिन्होंने उनको अरेस्ट किया है, वो एलिगेशन ही नहीं बता पाए हैं क्या है। छत्तीसगढ़ में जैसे शराब घोटाले की बात होती है तो टीवी पे आप लोग, अखबारों में आप लोग खुद छापते हैं, दिखाते हैं कि कैसे 2 नंबर की शराब के, जो स्मगल्ड शराब के, जो ट्रक के ट्रक भर के दूसरे प्रदेशों पे यहाँ पे आ रहे हैं, तो करप्शन दिख रही है। दिल्ली में अरेस्ट तो किए हैं लेकिन एलिगेशन क्या है ये बता ही नहीं पा रहे हैं। कभी बोलते हैं कि 100 करोड़ की एलिगेशन है, कभी बोलते हैं जी 1000 करोड़ का घोटाला है, बीच में इनके एक लीडर ने बोल दिया 80 करोड़ का घोटाला है। कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, वो भी शायद 19 लाख का दिखा पाए और उसमें भी कोर्ट से इनको फटकार लगी। तो बड़ा रीज़न ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की देश में बढ़ती हुई लोकप्रियता को और आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने से जो देश की ट्रेडिशनल पार्टीज हैं बीजेपी और कांग्रेस, वो बहुत बुरे तरीके से घबराई। दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी भी दमखम से तैयार है अपना प्रत्याशी उतारने और जीत पर कब्जा करने। पूरे 90 सीटों पर जीतने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है प्रयास कितना सफल होगा ये तो समय रहते पता चलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।